हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज माननीय मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत दूसरा दिवस में बालक वर्ग की प्रतियोगिता संपादित हो रही है और अभी हमें इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी नैनीताल और चारों तरफ इवेंट्स हो रहे हैं। ये अभी 600 मीटर यहाँ प्रारंभ हुआ है और बिल्कुल सावन का महीना, ग्रीनरी चारों तरफ देखने को मिल रही है, बिल्कुल हरा भरा ग्राउंड। और ये तमाम हमारे कोचेस मिस्टर महेश बिस्ट और उधर हमारे एथलेटिक्स को कंडक्ट करा रहे हैं मिसेस ममता जोशी पाठक, मिस्टर मनोज बनकोटी और यशोदा शाह मैडम और अन्य सभी साथी हमारे। और ये दूसरा चक्कर 600 मीटर की दौड़ है, तीन चक्कर लगा रहे होंगे 200 मीटर का ट्रैक। और ये तीसरा चक्कर है, गाड़ी संख्या 1281, कई बार आपको अनाउंस किया गया है। छः सौ मीटर दौड़ प्रारंभ हुई, ये ग्राउंड पूरा हुआ दूसरे चक्कर के लिए। फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 6 into 10 शटल रन। लैप में इनकी काउंटिंग हो रही है। हो गए काउंट कर रहे हैं। ओ क्या नाम है, चलिए कुछ प्रतिभागियों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज गोस्वामी। कहाँ से आए हो? नैनीताल से। तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम श्लोक शर्मा है, मैं भी नैनीताल से। अरे वाह, तुम दोनों नैनीताल नगर पालिका से प्रतिभाग करे। कौन सा एज ग्रुप है? 9 to 10। अच्छा तुम्हारा भी? अच्छा अच्छा, यहाँ आए हो आज, यहाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और क्या कहना है मुख्यमंत्री जी से? अच्छा लग रही है प्रतियोगिता जो हो रही है, आप लोगों को है ना खेलने का मौका मिल रहा है, इसमें स्कॉलरशिप भी मिलनी है, क्या करोगे उस पैसे का? हैं? हाँ, खेल के लिए कुछ नहीं करना है? मम्मी पापा को दे दोगे? मम्मी पापा क्या करेंगे? अब ये यहाँ दौड़ लगाने आ रहे हो, रैकेट ही खेलना है और भी गेम खेलते हो? रैकेट बढ़िया खेलते हो, बैडमिंटन में ही खेलना है हाँ? और तुम्हें आगे क्या करना है? आगे सर, तुम क्या खेलते हो? सर यही खेलते, बैडमिंटन ही खेलते हो, तो बैडमिंटन खेलना है। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, यहाँ जीत के जाओ। मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारे लिए ये योजना चलाई है तो धन्यवाद तो बनता है। हाँ हाँ, तुम लोग कहाँ से हो? इंदिरा गांधी स्टेडियम, यहाँ पे मैं ट्रायल लेने आया हूँ डिस्ट्रिक्ट का। ये हमारा फाइनल मैच है और मैं नैनीताल नगर पालिका से आया हूँ। धन्यवाद। अच्छा, और मैं हल्द्वानी ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा, कौन सा एज ग्रुप है बेटा? 9 से 10। क्या सोच के आए हो? जीत के जाओगे, स्कॉलरशिप लगाई है उससे छात्रवृत्ति मिलेगी 1500 रुपया प्रति माह एक साल तक। कुछ कहना चाहेंगे आप माननीय मुख्यमंत्री जी से? क्या मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि मतलब बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, तो मतलब सारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होंगे जी, और बुरी आदतों से दूर जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। इधर हमारा दो स्टेशन मेडिसिन बॉल पटके ये चल रहे हैं।
तीव्र गति से, बिल्कुल निर्बाध गति से कह सकते हैं हम, ये काम चल रहे हैं जो हमारे भुवन सोटा जी इसको कंडक्ट करा रहे हैं। और बहुत काबिल व्यायाम शिक्षक हैं आप। यस मैम बोलो। और प्रत्येक बालक को 3 अटेम्प्ट यहाँ मिलने हैं। अनर्थ कौन है? एक स्टेशन ये, यहाँ हमारी कंडक्ट कर रही हैं मिसेज हेमा नेगी, मिसेज लक्ष्मी काला, मिस्टर ललित फर्तियाल। और ये देखिए मेडिसिन बॉल पट। और यहाँ हमारा स्टैंडिंग बैंड रीच, फॉरवर्ड बैंड रीच की प्रतियोगिता यहाँ संपादित होगी। और हमारी बहुत खूबसूरत सी फोटो खींचने वाले भाई साहब हमारे, वो भी अपने कार्यों में बिल्कुल व्यस्त। बड़े तल्लीनता से हमारे तमाम व्यायाम शिक्षक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की प्रतियोगिता, दो स्टेशन ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के यहाँ बनाए हुए हैं। और ऊपर देख रहे होंगे स्टेडियम में आप तमाम पेरेंट्स भी जो है बच्चों को जो लेकर आए वो अपने बच्चे की इवेंट्स को भी देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और 30 मीटर फ्लाई रन, हितेश भाग। हाँ हो गया बंद। और इधर दर्शक दीर्घा में भी काफी पेरेंट्स जो है वहाँ बच्चों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए, अपने बच्चों को साथ भी लाए हैं पेरेंट्स, उनके लिए व्यवस्था। बाकी ऑफिशियली सब केवल स्टेडियम में रहेंगे। करो भंडारी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, गुड। आगे को धक्का मार, बॉडी आगे को गिरा बेटा, शाबाश। तो बहुत ही कम कूदा, चल बेटा चल, सावस निक्कर कहाँ है तेरा, निक्कर में आता बेटा, चल बेटा बड़ा सावस। बहुत ही गाँव वेरी गुड।
वेरी गुड। लिखो यार, लिख दो, कितना हो रहा है? चल बेटा चल, जोर लगा थोड़ा सा, पांव पीछे कर, ए छोड़ो, इसको पांव करवा दो सर, थोड़ा पीछे कर, हाँ ये चल, ये वेरी गुड। की टीम को प्रदेश 600 मीटर दौड़ 13 से 14 आदर के साथ वर्ष के बालकों की 600 मीटर की दौड़ प्रारंभ हुई। अपने आप को एक सम्मान के साथ आप लेकर आए थे निकाल के। एक व्यायाम शिक्षिका से भी आपको मिलवा दें। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। ये माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत आज बालक वर्ग की प्रतियोगिता संचालित हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगी आप इस योजना के बारे में, कुछ बताइए। सर ये योजना तो बहुत बढ़िया है, सरकार से हम लोगों ने मतलब बच्चों को भी बहुत कुछ मिल रहा है इसमें, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं जी। लेकिन हमें सरकार से एक चीज़ कहनी है कि अगर इसको आप गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो रियल में नीडी बच्चे हैं, अगर उनके लिए ऐसी योजना होती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वो अभी क्या है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं तो वो वैसे ही सक्षम है, उनके पास वैसे ही बहुत कुछ है, ठीक ठाक है, सभी की स्थिति अच्छी है। बट हमारे जो सरकारी कोई बच्चा जो है, हमारा अनाथ भी है, कोई वन पेरेंट का बच्चा है, कोई गांव का बच्चा है, तो अगर उनको ये फैसिलिटीज़ मिले, क्योंकि सक्षम वो भी है, कर वो भी सकते हैं, लेकिन यह क्या होता है कि फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से ये हमारे जो शहर के शहरी वाले बच्चे हैं, ये उनसे थोड़ा सा आगे प्लस हो ही जाते हैं। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इसमें ये थोड़ा सा गरीब बच्चे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, उनके लिए ये वाली पॉलिसी चलना होती तो ज़्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच। देखिए पूरा ग्राउंड जो है आज इवेंट्स जगह जगह पे हो रहे हैं। ये हमारी शटल रन के लिए बच्चे खड़े हैं और ये स्टार्ट हुआ 6x10 शटल रन। और इधर हमारा मेडिसिन बॉस पट प्रगति पर है, ये देखें। और इधर हमारी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टेशन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक बनाया ताकि बच्चों को भी ज़्यादा असुविधा ना हो और आराम से एक स्टेशन से अपना इवेंट करने के बाद दूसरे स्टेशन में ज्वाइन कर लें। 600 मीटर दौड़ की और कुछ इवेंट्स ये चल रहे हैं हमारे, और जो क्यू में हैं बच्चे उनके सारे पत्र जात संभालते हुए इधर खिलाड़ी, हमारे तमाम व्यायाम शिक्षक। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कौन सा? वेरी गुड बेटा, और हाथ एक दिया तूने यार। दो स्टेशन जो है हमारे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के हैं। और ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में मिसेज अंजू जोशी, आप जी जैसी कुरपाताल में पोस्टेड हैं, फिर आशीष शाह जैसी बगड़ और मिस कंचन रावत अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल ये कंडक्ट करा रहे हैं, ये ब्रॉड जंप कंडक्ट करवा रहे हैं। और हमारे पूरे जनपद नैनीताल के तमाम व्यायाम शिक्षक इस प्रतियोगिता को संपादित कराते हुए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, गुड यार। और एक मेला सा लगाया जगह जगह पे तमाम हमारे खिलाड़ियों का, और वो भी क्यों ना, माननीय मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना है जिसमें जो 150 बालक और 150 बालिका जो टॉपेस्ट रहेंगे वो लाभान्वित होंगे 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के लिए। और ये तमाम पेरेंट्स हमारे इस प्रतियोगिता में जो अपने प्रतिभागियों को प्रतिभाग कराने के लिए लाए हैं।